अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो शाम के बज रहे 7:15 और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, सुबह से मैं लेट ही पड़ी हुई थी, मतलब आंधी पड़ी हुई थी। तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा मेरे शोल्डर का पेन है, 2 दिन से कंटिन्यूसली इतना पेन हो रहा है, इवन अभी भी हो रहा है। लेकिन काम है, काम तो करना पड़ेगा। मैं राइट हैंड से ही वीडियो ये फ़ोन उठा के बात करती हूँ आप लोगों से, मुझे लेफ्ट हैंड से इतना नहीं जमता और इसी में बहुत पेन है, इवन इसके अंगूठे में भी बहुत पेन है, सूजन आ चुकी है। तो लेकिन हिम्मत आती है कहाँ से पता है मुझे ब्लॉग बनाने की? यहाँ से। ये आदमी ने आज सुबह में ब्लॉग स्टार्ट किया, चाय वाय बनाए और उसमें और लोग उठे, बातचीत किए। देखो आप लोग, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग, 9 बज रहे हैं और बस चाय बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काम पे जाना रहता है, तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ। और बाकी का ब्लॉग तो आगे वही कंटिन्यू करेंगे, बस आज मेरा दिल किया कि आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। क्या हुआ? कौन चले जाना? अगर मैं काम पे नहीं जाऊँ तो पैसे कैसे आएंगे? कल छुट्टी कर दे, ठीक है? कल संडे, कल मेरी छुट्टी रहेगी, साथ में एंजॉय करेंगे। मैं जा रहा हूँ काम पे, आज सैटरडे है, ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं और ये बोल रही आज काम पे मत जाओ अब्बा, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि काम पे जाना ज़रूरी है। कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो आज छुट्टी लेके मतलब नहीं है ना। मैं जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है? 4 बजे तक आ जाऊँगा। ओके जाओ ना काम पे। क्या अभी नहीं जाओ काम पे? मेरा टाइम हो गया, 10:30 बज गया ना, मैं जाता तो काम पे, आके मिलता हूँ, ठीक है? चल है। आज मैं जाऊंगा। मेरा बेटा समझो बात को जरा। ना तो ये जिद करिए काम पे मत जाओ, लेकिन काम पे जाना जरूरी है ना उसमें? हाँ पर आज मैं जाऊं। कल छुट्टी करूँगा पक्का मैं, ठीक है? कल अभी साथ में रहेंगे। ये मेरी बेटी अभी उठी और जिद कर रही है कि मत जाओ काम पे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जाना पड़ेगा। उसके अम्मी को उठा के इसका नाश्ता पानी वही कराएगी, तो मैं कराने पड़ूंगा तो मुझे लेट हो जाएगा। मैं अम्मी को उठा दूँ, ठीक है? तो जो है जिद नहीं करते हैं। मिलता हूँ आपसे बाद में, ठीक है? इसके अम्मी को उठा के। गाइस मैं अभी फ्री हो गया, मतलब काम पे से फ्री हो गया, बस शूज़ लेने के लिए, शूज़ लेना पेंडिंग रह गया था, बस लेने के लिए जा रहा हूँ। अब देखते हैं शूज़ है कि नहीं यहाँ पे। तो मेरी तीसरी दुकान है और यहाँ पे कुछ कुछ लग रहा है मुझे, शायद मेरे पार्टी वेयर टाइप मिल जाएगा शूज़। यहाँ पे ऑप्शंस है थोड़े शाइनिंग वाले, यहाँ पे एक ऑप्शन है शाइनिंग वाले, तो मेरा प्लानिंग चल रहा है ये वाला शूज़ लेने का। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा पार्टी वेयर टाइप लग भी रहा है और मैं ड्रेस के साथ मैच भी करेगा। भाई कितने का ये भाई? तो देखे आप लोगों ने कि आपके भाईजान कितने अच्छे हैं, मुझे कितना आराम देते हैं, मुझे सोने देते हैं और खुद उठ के सब कुछ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से कर रहे, कल भी पूरा उन्होंने भार अपने कंधों पे लिया था क्योंकि मेरे कंधे कमज़ोर हो चुके हैं। तो कल भी उज़्मा को तैयार करना, उसको नहलाना, उसको कपड़ा पहनाना, उसको नानी की तरह लेके जाना, कल भी बहुत किए। हाँ कल मैंने व्लॉग नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ तो शूट किया है, सीक्रेट है, सरप्राइज़ है। हाँ तो वो तो है सीक्रेट, वो तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कुछ दिन में कि कल मैंने क्या शूट किया है। सरप्राइज़ है, मेरे लिए भी था और आप लोगों के लिए भी है।
सरप्राइज शूट तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और देखना ज़रूर हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर देखना है, नए आए हो मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग देख रहे हो, अभी फर्स्ट टाइम आप मेरे से मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और जो लोग मुझे हमेशा देखते हो लोगों को थैंक यू सो मच। बनता है यार, बनता है, बनता है। देखो अभी भी हाथ दुख रहा है, कहा तो मैं 4-4 मिनट कैमरा लेके ऐसे टपर टपर करती थी, अब 30 सेकंड में मेरा हाथ दुखने लग जाता है। तो कुछ नहीं, आपके भाईजान गए थे शूज़ भी देखने के लिए, तो शूज़ देख के आए ना तुम? शूज़ देख के पसंद भी करे सोचा के लेके आने का, बस लेके आने का ना, तो मैं उनके साथ जा रही शूज़ लेने के लिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, तो जी हम लोग पार्टी में जाने वाले हैं, पार्टी होने वाली है और हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं, उसका भी ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। तो सब सरप्राइज सरप्राइज है, तो वेट करो ज़रा, सबर अच्छा होता है, सबर का फल मीठा ही होता है। तो ऐसा है, तो चलो फिर शूज़ लेके आते हैं। मेरी भी पूरी तैयारी हो चुकी है पार्टी में जाने की, कपड़े अपने सब हो गए, सिर्फ शूज़ पहनने के बस। हाँ तो ऐसा तो ऐसा है, चलो फिर शूज़ लेके आते, उसमें गई ट्यूशन कहाँ से मिल रही है तुम लोगों को? मेरे को तो नहीं मिल रही है, वही मेहंदी है जो मैंने 1 मिलियन में लगाई थी ना, वो बची हुई थी, तो वो आज ढूंढ के उसने ना निकाली और लगाते बैठी। मैं वही बोली बेटा 1 महीने पुरानी मेहंदी है, कलर नहीं आएगा, अभी आएगा आएगा। हाँ थैंक यू सो मच, अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बोली बाबू को, बाबू ये वाला ड्रेस है ना, वॉश होएगा ना तो उसको धोना मत, सॉरी इस्त्री मत करना, धोके मैं हो ना जीनी को दे दूंगी, थोड़ा टाइट हो रहा आस्तीन में मेरे को, इजहार की शादी में। हाँ हाँ इजहार की शादी में पहनी थी, अब दूसरी बार आज पहनी हो। अच्छा कौन सा ड्रेस की बात हो रही है? ये वाले ड्रेस की बात हो रही है जो मैंने आज पहना है, ये थोड़ा मुझे देखो ना पेट पे भी टाइट हो रहा है, पेट पे भी टाइट हो रहा है, नहीं चलेगा कपड़े ये मैं देखो दे देती हूँ, मैं देखो दे देती, लेकिन इसको भी सीखा कि देखो जो छोटे हो जाते फिट हो जाते तो वो भी तो किसी को देखो ही पहने, क्यों जंगल बना के रखिए घर के, कबाड़ ही खोलना मुश्किल है मेरा, ऐसा कबाड़ खोलेंगे ना तो इसका पूरा कबाड़ में कपड़े धड़ 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 नीचे, अच्छा एक दुपट्टा ढूंढने में 1 घंटा लगता, कौन से कपड़े धड़ 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 धड़। ये मेरे भी करते थे बचपन में, समझी ना, मेरे भी करते, वो 1 घंटे के बाद में ना दुपट्टा नहीं मिलेगा ना, फिर छिड़के ना फिर पूरा ड्रेस चेंज, ये नहीं पहनेगा, और फिर बाद में ना वो पोर्टल में डाल के घुसा के रख देने का, वो जो मेरा वो ईद वाला था वो पहनू क्या, मैंने वो शादी में अरे वो हर होते हैं दाने वाने आए क्या? मेरे को देख दाने आ रहे, नहीं मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी, देख ना मेरा हाथ देख रही है, हाँ ये खुजा ही रहेगी, हाँ तो खुजा रहा तो खुजाऊंगी ना, तो नहीं वाले हाँ इस पे मॉइस्चराइजर लगा, लगाई मैं बस कुछ नहीं होगा, चले आएगा, अरे दोनों हाथ अम्मी देखो ना चला जाएगा, एक तो वैसी दो नहीं अम्मी, वैसी 2 दिन से कंधे दुख रहे, कल भी तुमको बोली, कल बोली तो मेरे को पार्लर ही बुला देते, तो मैं बोली नहीं टाइम नहीं, मेरे को घर का कोई नुस्खा बताओ, तो उन्होंने बोले बर्फ लगा बोल के, मेरे को नहीं अम्मी मेरे को नहीं सूट होता है मेरा, है ना ये पहले भी मैंने कराई हूँ, थोड़ा सा जलन हल्का, बहुत दर्द, पहले नींबू निचोड़ थोड़ा सा चलोगेगा, थोड़ा 10 मिनट बर्दाश्त कर, फिर बर्फ निकाल के चले ना, फेस पे भी कुछ, फेस पे मतलब वो नहीं, फेशियल गेशियल भी ज्यादा करूंगी ना, मेरे को दाने गिने आते ही है, और ये हाथ पे मैंने देखो ना, मतलब कितने साल के बाद मैंने वैक्स कराया, सच्ची में मैंने वैक्स कराई, मुझे थोड़े दाने आ गए हैं, मैंने मुझे आते हैं, पहले भी आया आता था, एक बार दो बार मैंने पहले भी कराई ना, मुझे लगा अभी इतने दिन के बाद करा रही, इतने सालों बाद करा रही तो अभी हेड़ा चमड़ी हो गई होगी, लेकिन नहीं हुई अभी भी वैसी चे, अरे जाबा
दुबला होने का बोल रही हो, मुझे बोलती कि दुबला होने के लिए आपा चला बहुत स्वीट दिखती तू एकदम। क्या बोले मम्मी, क्या बोले? क्यूट दिखती दुबलेपन में। थैंक यू सो मच। दिखती बोले, दिखती बोले। बहुत दुबली हो तो अभी तक बहुत ना चल रही है। क्या हमें मजाक बना दिए? नहीं, मजाक नहीं बना दिए। बहुत अच्छी दिखती थी कसम से, पेट अंदर कर ले थोड़ा। तो करूंगी करूंगी, कहाँ करूंगी, पिज्जे आते। अच्छा तो चीज राशन में आता नहीं जब तक राशन पूरा होता है। डाइट करती है, सुनो कन्या वालों, ये डाइट करती है लेकिन इसकी डाइट में चीज होता है। हाँ तो होता है, बहुत सारे लोगों की डाइट में चीज होता है। हाँ तुम लोग अभी गए नहीं वो जाके पार्लर? नहीं नहीं नहीं, नहीं बाहर खड़े थे वो। हमने बोले सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं नाजो के यहाँ, नाजो के बाहर जाने वाली निकल जाएगी, हम लोग पहले वहाँ होके आते हैं। लेकिन मेरी स्किन में बताती हूँ, दो दिन पहले इस फेशियल कराया और मेरी स्किन देखो ना, मैं कितनी अच्छी लग रही, तुमको नहीं लग रही? तेरी स्किन है ना हमेशा अच्छी है बेटा, कभी ना पिंपल ना सिंपल, बहुत अच्छी है मेरी, सिंपल है। और इसका फेस भी देखो ना एकदम क्लियर हो गया माशाल्लाह से। वो उनके पास कौन सा विटामिन सी और वाइटनिंग फेशियल जो उन्होंने करे ना, मेरे को एकदम मस्त मजा आ गया। अरे जाओ जाओ उनके पास, पहले मेरा एक क्लियर हुआ है घर के सनाज पार्लर, ठीक है, बेस्ट पार्लर मालोनी में। हम लोगों को सबसे अच्छा बेस्ट पार्लर वही लगता है। अगर आप मालोनी के हो, मलाड़ के हो, यही नजदीक के हो तो सनास पार्लर है यहाँ पे। उनका कांटेक्ट नंबर मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं भाई। हम लोग कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं भाई, दिल की खुशी से बता रहे हैं, क्योंकि वी आर सैटिस्फाइड भी बोल रहे हैं। देखो अम्मी भी लग गया प्रमोशन के, मेरे बच्चे लोग तारीफ कर रहे हैं। आते जाते नहीं है, कहीं की आदत नहीं है पार्लर की। एक दो बार अभी चले गए तो अच्छी ट्रीट करे उन्होंने, अच्छा उनका जो सर्विस है, के जो बच्चियां हैं वो है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं उनके। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ वही जाना, बहुत अच्छे से होमली माहौल देते वो लोग, एकदम फैमिली फैमिली। सर माहौल से बेहतर तो उनका सर्विस है, सर्विस में कोई कमी नहीं करते। मतलब पहली बात तो उनकी सर्विस में वो कभी अपने प्रोडक्ट का सोचते ही नहीं है, वो ये सोचते कि मेरा क्लाइंट कैसे खुश होके चला जाए। उनकी ये बेस्ट पार्ट है, उनका ये एक आदत बहुत अच्छा लगा। मेरी अम्मी जल्दी जाते नहीं है कहीं, मेरी अम्मी हम लोग के लिए आए एक दो बार वहाँ पे, तो उनका भी दिल लग गया। उन्होंने भी अरे बाबा वो बैठने ही नहीं देते, चाय मंगाओ खाना मंगाओ, अरे पार्लर में आए हम लोग, होटल पे थोड़ी आए। मेरी अम्मी को है ना कैमरे में काम करते करते वो लाइटिंग के सामने रह रहे के वीडियो बना बना के ना यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्किन डार्क हो गई थी। अभी माशाल्लाह से अम्मी की स्किन, अम्मी थोड़ा देखो डार्कनेस देखो कितनी कम हो गई है अम्मी की। अम्मी और एक दो बार जाएंगे ना और अच्छी हो जाएगी। मैं कभी करती नहीं ये सब, नहीं करते हम लोग ने प्रेशराइज किया अम्मी को जबरदस्ती। अच्छा अभी अम्मी के पार्लर जा रहे हैं, मेरी अम्मी को हम लोग खींच के लेके जा रहे हैं। अरे जब आ रहे कैमरे की डिमांड है, कैमरे पे काम कर रहे हैं तो तुमको करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है, नहीं मानते फिर भी, लेकिन करना नहीं, नहीं अच्छा लगता है, मैं नहीं जाती हमेशा। लेकिन वो लाइटिंग के ब्यूटी के लिए नहीं जा रहे, उस काला आ रहे क्योंकि उससे लाइटिंग जो है, लाइटिंग की वजह से फेस उनका एकदम पैचेस आ रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रही है, उनके डार्क सर्कल बढ़ रहे हैं। तो अभी उनको काम करना है, डार्क सर्कल हाँ काम करना है। तो काम की जो डिमांड होती है, अभी फेस दिन ब दिन बिगड़ रहा है तो उसको मेंटेन रखना अपना काम होता है, क्योंकि इलाज हाँ ट्रीटमेंट है, उसको मेंटेन रखना जरूरी होता है। मैं नहीं जाती देखो कभी, मैं नहीं जाती एकदम जाते, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब आ रहे पैचेस तब मैं जाती। आप लोगों को कितने बार बोला मैं ज़्यादा फेशियल केशियल करने नहीं जाती, लेकिन हाँ मेरी स्किन बहुत जल्दी टैन हो जाती है तो मुझे टैनिंग के लिए जाना ही पड़ता है ना। और उनका बेस्ट है ना वो टैनिंग का, बहुत मस्त करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे इनका शूज लेने के लिए है। अच्छा हाँ वो जा रहे थे अकेले, मैं बोली चलो मैं भी चलती बोल के बोली। मेरा हाथ ना सच्ची में बहुत दुख रहा है कल से। ये ना इधर है ना वो लगा देना, नहीं हम यार इधर ये कंधे पे हाथ रख के देखो तुमको सूजन खुद को शफी वो लाओ ना वो मोज का वो नहीं पट्टी आता है मेडिकल में देखो काला वाला लगा दो ना दर्द खींच लेगा। लग रहा है तुमको सूजन लग रही है? इसको लगा दो। ये ना कैमरा पकड़ के दुखता है बाबा, बहुत दुखता है। तो अपने को काम भी तो करने का है, काम छोड़ के तो नहीं बैठ सकते ना। वो हाथ पलटी कर करके ले रही है देखो, कभी इधर कभी इधर, उधर बढ़ जाएगा। तो तभी लग जा रहे हैं, बैठते नहीं देखो ना, आते 10 मिनट भाग जाते हैं, आए 10 मिनट हुआ अभी जा रहे लोग। नहीं नहीं हमको अभी बाजार लेना है, बहुत सारे काम करना है। हम बोले चलो जरा इसके घर को दस्तक देंगे 10 मिनट के लिए, फिर निकलते। हाँ हम यहाँ कुछ काम से आए थे,
तो मैं बोली चलो पहले इसके घर को चक्कर मार लेंगे, नहीं तो बोली नहीं आता का है, नहीं आया तो लास्ट टाइम नहीं आए थे मेरे घर पे अम्मी, इसके लिए मैं बोली पहले इधर चलो क्योंकि फिर इन लोगों को भी फुर्सत है ना, अभी बच्ची गई है ट्यूशन तो इन लोग का भी कुछ काम है तो निपटा लेंगे इन लोग, क्या मेरे को बाबू के शूज लेना है और इन लोगों को भी जाने नहीं मिलता, उसके लिए एक दो चीज लेने का मेरे को, चलो बाय। अरे दुपट्टा नहीं लाजमा का, वाह चलो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से, मैं भी अल्लाह।